स्तुति, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। यहाँ की स्तुति करो, ईश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसके सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सबके सब यहाँ की स्तुति करें, यहाँ की स्तुति करो। क्या ही धन्य है वह समाज जो आनंद के ललकार को पहचानता है। हे यहोवा, वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जयजयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जयजयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना। मैं करुणा और न्याय के विषय गाऊंगा, हे यहोवा, मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। यहोवा राजा हुआ है, पृथ्वी मगन हो, और द्वीप जो बहुत तेरे हैं वह भी आनंद करें। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित हो, और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कही। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। यहाँ की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ, वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें, और डफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाएं, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है। वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शुभायमान करेगा। भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हों, और अपने बिछौनों पर भी पड़े पड़े जयजयकार करें। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे, और बंधुए उनकी सुन रहे थे। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया, जो कि पवित्रता से शुभायमान होकर हयार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं, और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें कि यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अमोनियों, मुआबियों और सीयर के पहाड़ी देश के लोगों पर, जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बिठा दिया, और वे मारे गए। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। मेरे मुंह से तेरे गुणानुवाद और दिन भर तेरी शोभा का वर्णन बहुत हुआ करे। मैं तो निरंतर आशा लगाए रहूंगा, और तेरी स्तुति अधिक अधिक करता जाऊंगा। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो।